मास्क नहीं लगाने वाले 20 दुकानदारों पर हुई चालानी कार्रवाई। सीएमएचओ ने की लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील। टीकमगढ़ में शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिले में कोविड संक्रमण की संख्या में विगत दिनों हो रही बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य स्थितिमय लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। रोको टोको अभियान अंतर्गत आज डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ नगर पालिका टीकमगढ़ में मुख्य बाजार में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें बाजार में बिना मास्क लगाए दुकान संचालकों पर चालानी कार्रवाई की एवं मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी। कार्रवाई के तहत उन्होंने 20 दुकानदारों के चालान काटे एवं बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए। इसके साथ ही जिले में विभिन्न स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क आदि के घूमते पाए जाने वाले लोगों पर रोको टोको अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई। शाम को गांधी चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के साथ घूमकर दुकानदारों को मास्क की बांटे गए। वहीं सीएमएचओ ने लोगों से शासनी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। Thank you.